वार्ड नंबर 4 के अंदर कैप्टन सुनील सिंह चौक के पास डॉक्टर हरदेव गुप्ता जी के घर के पास ये जो आज लेन और ड्रेन तो आप लोग देख रहे हो, ये जो लेन का काम जहां आज लोग पड़ रही है तो ये जो कंप्लीट हो रही है, मुझे लगता है कि जब से ये लोग जहां सेटल हुए हैं ये पहली बार ये लेन और ड्रेन एक ही टाइम पे ये कंप्लीट हो रही है। तो म्यूनसिपल काउंसिल आपने देखा, रोज आए दिन हम उद्घाटन करते हैं, शहर की चारों तरफ 1 से लेकर 21 वार्ड तक चारों तरफ काम लगे हैं। आपने देखा पिछले कल हमने यहाँ वार्ड नंबर 1 के अंदर काम शुरू किया था, आज वार्ड नंबर 4 के अंदर है, कल वार्ड नंबर 21 में हम यहाँ उद्घाटन करेंगे। तो शहर के विकास के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब से हमारी म्यूनसिपल काउंसिल भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बनी हुई है, जहाँ हमें ऊपर से भी ट्रैक्शन है, हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी कल ही हमसे मीटिंग करके यहाँ कठुआ में गए थे और खास हदायत दी थी हमको कि लोगों के पास जाएं, आने वाले इलेक्शन पे आपने वोट मांगने भी जाना है तो लोगों के पास जाएं और लोगों के काम करें और लोगों के काम के ऊपर खरा उतरें ताकि लोग दोबारा हमारी पार्टी को वोट डालें। तो उसके ऊपर हम ये अकेले ही बैठ के फैसले नहीं करते, जिसमें हमारे राजीव जसरोटिया जी और फार्मर मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, निर्मल सिंह जी और अशोक कौल जी, राणा साहब, सब हमें ऊपर से हदायत देते हैं लोगों के पास ट्रैक्ट जाओ, चाहे लाइट का सिस्टम हो, चाहे सफाई का हो, चाहे लेन ड्रेन का हो। तो इसके ऊपर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारी काउंसिल की पूरी टीम जहाँ लगी हुई हर वार्ड में काम लगे हैं, जहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स, जहाँ पार्क, जहाँ चाहे सैर करने के लिए हमने एक पाथ अभी 3 करोड़ के बनाने जा रहे हैं। तो इस कठुआ को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, आपकी जो पहली बार एक ही टाइम पे लेन और ड्रेन कंप्लीट हो रही है, आप सब लोगों को